क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है जहाँ से गर्म गैस और धूल लगातार निकलती रहती है। ये जगह तुर्कमेनिस्तान के करकुम रेगिस्तान में मौजूद है और इसे डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। ये गड्ढा लगभग 60 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा है। इसकी खोज 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट ने की थी। उस वक्त उन्होंने नेचुरल गैस के खोज में कुछ वर्कर्स के साथ मिलकर इस तुर्कमेनिस्तान के करकुम में मौजूद रेगिस्तान में खुदाई करी, लेकिन खुदाई के दौरान जमीन अचानक से अंदर धस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया जहां से लगातार मीथेन गैस निकलने लगी, जिसके कारण वर्कर्स ने इस गड्ढे में काम करना छोड़ दिया। लेकिन अगर इस गड्ढे को खुला छोड़ा जाता तो इस गड्ढे से निकलने वाली गैस की वजह से वहां रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती थी, जिसके कारण उन्होंने इस गड्ढे में आग लगा दी और ये गैस आग से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई। उनका मानना था कि गैस के खत्म होने के बाद आग बुझ जाएगी, मगर इतने साल बीतने के बाद भी इस गड्ढे में अभी भी वो आग जल रहा है।